नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। पीईटी 2022 कराने के बाद आयोग ऐसा सोया हुआ था कि अब रिसेंट में आप देखिए लगातार एक के बाद एक वैकेंसी आपकी पीईटी 2022 के तहत आती जा रही है। तो ये भी आपका पीईटी के स्कोर पर ये एक तरह से बोला जाए तीसरी वैकेंसी है आपकी 2022 के अनुसार। तो इसका फॉर्म फिल ये क्या है, किस चीज की वैकेंसी है? ये प्रवर्तन कांस्टेबल की वैकेंसी है और इसके लिए क्या अर्हता चाहिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज क्या चाहिए, सब मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसका विज्ञापन जो है आज 24 तारीख को आया है और ऑनलाइन आवेदन जो है 7 तारीख से स्टार्ट होगा, मतलब 7 जुलाई से आपका स्टार्ट होगा, 28/7 तक चलेगा, ठीक है। और यहां पर बोला गया है कि 4/8/2023 को क्या है, शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है, जो आपका संशोधन करना है उसकी अंतिम तिथि भी बता दिया गया है कि 4 तारीख का है। यह साफ साफ आपको पीटी 2022 के अंतर्गत यह वैकेंसी है, यह ध्यान रखिएगा। टोटल पद कितने हैं इसमें, तो टोटल पद आपको कह दे 477 पद पर यह भर्ती है, ठीक है। इसका मुख्य परीक्षा होगा, इसका बोला गया है ये ध्यान रखिएगा किस पर होगा, बोला है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीटी 2022 के स्कोर पर जो है बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उन्हीं का मेंस एग्जाम कराया जाएगा। बाकी सब कुछ आपका जैसे होता है कि 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा वही है। मेन हम देख लेते हैं कि इसके लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, यह ध्यान रखिए। चलिए हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बाकी सब जो पीटी के फॉर्म में मैक्सिमम होता है वही सब दिया गया है। अब हम लोग यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। शुल्क आपका वही है, 25 रुपए आपको देना है। हाँ, यहां पर आते हैं हम लोग। पदों का विवरण है, यह प्रवर्तन कांस्टेबल दिया गया है। वेतन आपका देख लीजिए क्या है, मेन आपका सैलरी जो है वो 5200 से लेकर आपका 20200, ग्रेड पे 1900 की जॉब है, मैट्रिक्स 2 है, लेवल जो है आपका मैट्रिक्स का, टोटल 477 है और अस्थाई लिखा गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी आपको उसी का 36 आरक्षण के अनुसार वैकेंसी को डिवाइड किया गया है। चलिए इस पे हम लोग आते हैं। हाँ, अर्हताएं क्या है, ठीक है, मेन आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या जरूरी होनी चाहिए इस भर्ती के लिए। तो अनिवार्य अर्हता क्या है, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग परिवर्तन कर्मचारी वर्ग समूह ग सेवा नियमावली 2022 के अनुसार सेवा में प्रवर्तन कांस्टेबल के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष, मतलब 12वीं पास आप होने चाहिए या उससे समकक्ष जो होगा, पॉलिटेक्निक होता है 10 के बाद कुछ कर लेते, वो भी आपके मान्य होंगे। प्रवर्तन कांस्टेबल के पद पर चयन हेतु अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा के साथ क्या होगा, आपकी लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद से कंप्यूटर की प्रावीण्यता परीक्षा होगी, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। तो इन सब के बारे में बता देते हैं कि आपके शारीरिक मानकों का क्या क्या चाहिए वो भी सब देख लीजिए, क्या ऊंचाई चाहिए, ठीक है, कितनी दौड़ चाहिए, सब कुछ बता दिया गया है। बस सिलेबस नहीं बताया गया, वो बाद में आएगा, वो सब जानते ही हो कि पीटी में हमेशा ऐसा ही होता है, पहले नोटिफिकेशन निकलता है फिर बाद में आपका सिलेबस बताया जाता है। यहां पे पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानक क्या है ये ध्यान लिखिए, ऊंचाई क्या बोला गया है, अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है, 160 सेंटीमीटर होना चाहिए अनुसूचित जात के लिए, और बाकी जो आपके ओबीसी हो गए या जनरल हो गए जो आपके कांस्टेबल में मांगता है 168 सेंटीमीटर, सेम आपका यहां पर भी है क्योंकि ये भी सिपाही की भर्ती है, ठीक है। उसके बाद से यहां पर देखिए, वच एक अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए जो आपका सीना होगा फुलाए बिना 77 सेंटीमीटर होगा, सीना जो है फुलाने पर 82 सेंटीमीटर होगा अनुसूचित जात से, एक के लिए अलग किया गया है जैसे कांस्टेबल में किया जाता है, और बाकी आपके अन्य अभ्यर्थियों के लिए चाहे ओबीसी हो या आपका जनरल हो उनके लिए आपका 79 सेंटीमीटर फुलाने पर 84 होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। अगर आपका सीना इस क्राइटेरिया से ज्यादा भी है तभी भी आपका फूलना जो होगा वह 5 सेंटीमीटर जरूरी होता है, ठीक है।
महिला अभ्यर्थियों के लिए ये न्यूनतम शारीरिक मानक न्यूनतम है क्या है देख लेते हैं। यहां पर महिलाओं के लिए क्या है, क्या हाइट चाहिए आपकी, तो महिलाओं के लिए अनुसूचित जनजाति की महिला जो होंगी उनके लिए 147 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, और अन्य महिलाएं ओबीसी जनरल की अगर हम बात करें तो ओबीसी जनरल के लिए 152 सेंटीमीटर चाहिए। वजन यहां पर सीना का नहीं लिया जाता है, महिलाओं का न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए, इससे कम वजन नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा हो सकता है कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, और बाकी आपको बोला गया कि अब प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा किया हो या आपके पास क्या हो अन्य बातों के समान होने पर राष्ट्र कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र है आपका एनसीसी का, तब आपको कहीं ना कहीं वरीयता दी जाएगी। अब एज क्या मांगा गया है, बाकी में तो एज आपका जानते ही हो कि 40 साल तक होता है, लेकिन ये कांस्टेबल की भर्ती है एक तरह से, तो इसमें एज क्या मांगा गया है, तो इसमें आपका जो एज है ये क्या बोला गया जाए कि 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त ना की हो, ठीक ना। यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, 18 से 25 बोला गया है आपको, क्या बोला गया है 18 से 25, वैसे आपका कांस्टेबल में 18 से 22 होता है लेकिन यहां पर 25 साल तक बोला है। बाकी आपके अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजाति अन्य श्रेणी में जो सरकार का एज रिलैक्सेशन लगता है वो आपको लगेगा, ठीक है। चलिए, हाँ बाकी आपका सब कुछ सेम है, यही चीजें दी गई हैं। अब आपको हम बता दें यहां पर कि जो आपकी रनिंग होगी वो क्या होगी, जो शारीरिक प्रवीणता परीक्षा है आपकी दक्षता परीक्षा उसमें क्या क्या होगा ये ध्यान रखिए। तो पहले आपका क्या होगा, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 27 मिनट में 4.8 किलोमीटर की रनिंग करना है आपको, और महिलाओं को 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर की रनिंग करनी है। तो ये आपका दौड़ है, बस इतना ही है। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम आपका जो है बाद में आएगा, कैसा कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, तो जनरल जो हमें लग रहा है कांस्टेबल में पूछा जाता है उसी के आसपास कहीं ना कहीं इसके भी फॉर्मेट रहेगा। है तो सिपाही की भर्ती तो चीजें वही आपसे पूछी जाएंगी, जहां मेरा अनुमान यही लगता है, ठीक है। जो कांस्टेबल के में सिलेबस रहता है हो सकता है उसी को कॉपी करे UP SSSC, ठीक है। अब यहां पर 15 गुना की बात किया गया है, यह ध्यान रखिएगा 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे जब भी आपकी वैकेंसी है, 477 के 15 गुना अभ्यर्थी एग्जाम के लिए बुलाए जाएंगे। बाकी सब कुछ आपका वही है, प्रमाण पत्र के लिए है और जो आपके सेना में है उन सभी का यह दिया गया है कि क्या क्या आपका होना चाहिए, ये डिटेल में देख लीजिएगा। सेम चीजें हैं, आपका प्रारूप दिया गया है कि आपको अगर कोई जैसे EWS हो गया, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, किस प्रारूप में होना चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर दे दिया गया है। तो यहाँ पर एक तरह से बोल सकते हो ये भी एक सिपाही की भर्ती, और अच्छा खासा एज का समय भी आपको 18 से 25 मिल गया है। बाकी वैकेंसियों में UP SSSC में 18 से 40 होता है, लेकिन सिपाही बनने के लिए तो 40 साल नहीं देगा, तो इसी वजह से जैसा उसका जैसा पोस्ट है वैसा एज दिया गया है। ऑलमोस्ट फिजिकल भी आपका सिंपल ही है, दौड़ ही है, हाइट भी वही मांगा गया है जो कांस्टेबल में मांगा गया जाता है, चेस्ट भी सेम है, तो जाहिर सी बात है इसका एक तरह से सिलेबस और जो पैटर्न आएगा वो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मैच खाता रहेगा यूपी पुलिस से, ये ध्यान रखिएगा। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो जरूर कमेंट में बताएं कि सर हम तैयारी करना चाहते हैं टीम परीक्षा प्लस, उनके लिए एक स्पेशल जो है बैच लेकर आएगी जो खासकर UP SSSC जो प्रवर्तक सिपाही है उन्हीं के लिए डेडिकेटेड होगा। ऑलरेडी हमारा कांस्टेबल का बैच चल रहा है, तो जो लोग कांस्टेबल के लिए जो 52,000 भर्ती आने वाली है उनकी तैयारी करना है तो उनसे जुड़ जाइएगा, और जो लोग PET 2022 दे चुके हैं, ठीक है, 10+2 की आहर्ता रखते हैं वो ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अच्छा स्कोर है जिनका तो वो इस फॉर्म को फिल, वैसे फॉर्म तो सभी फिल करते हैं, शॉर्टलिस्टिंग बाद में होती है। अब यहां पे दो कारण है, सबसे बड़ी बात ये है कि 10+2 वाले जो होते हैं जिनका 18 से 25 एज है वो कितने लोग एग्जाम दिए होंगे, ठीक है, इस कैटेगरी के, तो इसलिए फॉर्म सभी लोग फिल करिए जितने लोग आपने PET दिया है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, इसका कट ऑफ क्या होगा वो हम अभी आपको नहीं बता सकते जब तक डेटा ना पता चल जाए कि 18 से 25 साल की उम्र में कितने लोगों ने PET दिया है, ठीक है, कौन इस वैकेंसी के लिए अहर्ता रखता है। तो वो 18 से 25 और 25 के बाद वाले तो छट गए ना, जो मान लो कई सालों से तैयारी कर रहे थे तो PET दिए होंगे, अच्छा स्कोर हुआ होगा, वो तो ऑलरेडी इस वैकेंसी को नहीं फिल करेंगे,
जाहिर सी बात है वो आपके जो एज रिलैक्सेशन वाले जो भी होंगे 5 साल वाले उन्हीं को, ओबीसी और एससी एसटी वाले जिनको एज रिलैक्सेशन मिलता वही आप कहेंगे, लेकिन अब ये नहीं कह सकते हो कि सभी 40 साल वालों तक, तो इसलिए थोड़ा सा वो एज क्राइटेरिया आपका बाहर हो रहा है। तो 18 से 25 वाले में जितने लोग पीईटी दिए होंगे, तो ये इस पर एक बार डाटा जब पता चल जाएगा तो एक कट ऑफ भी डिसाइड कर दिया जाएगा कि कितने का अप्रोक्स आपका कट ऑफ जाएगा। लेकिन जितने लोगों ने पीईटी दिया था सभी लोग फॉर्म फिल करिएगा, कुछ भी हो सकता है कि आपका बहुत कम लिया जाए क्योंकि 477 पोस्ट है, और उसके बाद से मेंस के बेसिस पर आपका जितने लोग अपीयर होंगे एग्जाम देंगे उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि 15 गुना ही बुलाया जाएगा, तो फॉर्म जैसा आप लोग अपने स्कोर भरोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं एकदम तैयारी में लग जाइए, लगातार आप देख रहे हैं कि जिस भी वैकेंसी में यूपी ट्रिपल एससी के लिए अहर्ता आप रखते हैं तो उसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। इसका कोर्स आपका कांस्टेबल का जो एक तरह से बोला जाए सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहेगा, क्योंकि चीजें सब कुछ सेम है तो आपका सिलेबस भी सेम रहेगा, पैटर्न बदल सकता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बदल सकते हैं, लेकिन मैथ रीजनिंग जीएस हिंदी ये चीज नहीं बदल सकती, पाठ्यक्रम आपका वही रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। कोई समस्या होगी, कोई आपके प्रश्न होंगे इस भर्ती से रिलेटेड तो आप जरूर पूछिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। चलिए इसी के साथ आप सभी से विदा ले रहा हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।